करनाल पुलिस ने दो ऐसे शातिर ठगों को काबू किया है जो भोले भाले युवकों को विदेश भेजने का झांसा देकर उनके साथ ठगी करते थे। यह ठग युवकों को विदेश में रोजगार दिलवाने का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठ लिया करते थे। पुलिस ने दो ठगों को मेहर सिंह निवासी असन व गुरजंट सिंह निवासी जुलमाना को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी गुरजंट सिंह 25 से 30 लड़कों को नाजायज तरीके से बाहर भेज चुका है। आज करनाल के SP सुरेंद्र भोरिया द्वारा पत्रकार वार्ता में लोगों से अपील करते हुए बताया कि आज युवा पीढ़ी में USA व कनाडा जाने का क्रेज है और इसी का फायदा उठाते हुए कुछ ठग इस तरह के एजेंट बाहर रोजगार देकर व नौकरी दिलवाकर सेटल करवाने का लालच देकर 15 से 20 लाख ठग लेते हैं, जो न केवल जुर्म है बल्कि इमिग्रेशन एक्ट का उल्लंघन भी है। ये लोग पहले युवाओं का पासपोर्ट बनवाते हैं, फिर साउथ अमेरिका भेजते हैं, जिसका रूट बिल्कुल मुश्किल और अवैध है। सबसे पहले ये युवकों को इन क्वाडोर ले जाते हैं, जहां वीजा वहां पहुंचाने के बाद बन जाता है, वहां इनका वीजा बनवाया जाता है, वहां इनके लोकल एजेंट और युवकों को भी इकट्ठा किया जाता है, फिर इन सबको लेकर पैदल या फिर किसी साधन से कोलंबिया, फिर पनामा, फिर पोस्टरिका, फिर निकारागुआ, फिर गोटेमाला, उसके बाद मेक्सिको पहुंचाया जाता है, फिर उन्हें गलत रास्ते से अमेरिका का बॉर्डर पार करवाया जाता है। पहले बॉर्डर पार करने के बाद युवक गिरफ्तार कर लिए जाते थे और केस चलने के वही नागरिक बनने के चांस बन जाते थे, परंतु अब नए अमेरिकी कानून के अनुसार ऐसे काफी युवकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और अन्यों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है और अमेरिकी सरकार जल्द ही उन्हें भी डिपोर्ट कर देगी। मैं जरूर आपके माध्यम से एक अपील भी करना चाहूँगा कि आप सभी जानते हो कि आजकल जो खासकर यूथ है उसमें बहुत क्रेज है USA और कनाडा जाने का, तो उनका मेन मुद्दा है कि हमारा रोजगार मिल जाएगा और हम पैसे कमाएंगे और पैसे वहाँ भी हम कमाएंगे और अपने घर पर भी भेजेंगे। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी गैंग सक्रिय हैं हरियाणा में भी, जो इन भोले भाले या जो नए लड़के हैं उनका जो है उनके ठगी करके उनको लालच देके कि आपको हम USA में जो है वहाँ आपको सेटल करवा देंगे या नौकरी दिलवा देंगे, उस तरह से 13 से 15 लाख के बीच में ये चार्ज करते हैं और लड़कों को इलीगल वे में USA भेजने का काम करते हैं। जैसे कि दो अभी लड़के हमने जो आदमी अरेस्ट किए हैं, एक का नाम मेहर सिंह, ये असंध का रहने वाला है, और एक गुरजंट सिंह, ये जलमाना का रहने वाला है। इसमें मेन गुरजंट सिंह है जिसने अब तक 25-30 लड़कों को ये इलीगल वे में बाहर भेज चुका है, तो ये ना केवल चीटिंग और फॉर्जरी है, ये इमिग्रेशन एक्ट का भी ऑफेंस है। अभी जो इन्होंने बताया, हमने सारी इनसे पूछताछ की कि कैसे इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, तो ये सबसे पहले तो जो भी लड़के उनका पासपोर्ट बनवाते हैं, उसके बाद जहाँ साउथ अमेरिका में इक्वेडोर एक कंट्री है, वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल है, आप जब भी जाओगे वहाँ आपका वीज़ा लग जाएगा, तो सबसे पहले ये फ़्लाइट इक्वेडोर की वहाँ उस कंट्री में इनको भेज देंगे। उसके बाद वहाँ इनका एजेंट जो वहाँ लोकल इनका जिसको डोंकर बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को ये डोंकी करना बोलते हैं, अभी डोंकी करके इनको US लेके जाना है, जो बीच में एजेंट है उसको बोलते हैं डोंकर, तो वहाँ इनको डोंकर मिलेगा या उसको गाइड भी बोल सकते हैं। वहाँ ऐसे ही 10-12 लड़के और होंगे, पूरे ग्रुप को एक रूट को फॉलो करते हुए ये इनको मेक्सिको तक लेके जाते हैं। जो रूट है वो इक्वेडोर के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद पनामा, फिर कोस्टारिका, फिर निकारागुआ, फिर गोटेमाले और उसके बाद मेक्सिको। मेक्सिको और सैन फ्रांसिस्को का वहाँ बॉर्डर है, वहाँ ये इलीगल वे में बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। बॉर्डर क्रॉस करा के फिर वहाँ जो कैंप्स हैं या जो फॉरेन एक्ट में या जिस एक्ट में वो अरेस्ट करते हैं, ये वहाँ इनको डिटेन किया जाता है USA में। तो अब पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लड़के डिपोर्ट हो रहे हैं और जो लड़के डिपोर्ट हो रहे हैं उनसे हम कॉन्टैक्ट में हैं, जो हमारे को जानकारी मिल रही है, और उन सभी से हम इनका मोडस ऑपरेंडी पता कर रहे हैं और कौन कौन एजेंट्स बीच में इन्वॉल्व हैं। ऐसे काफ़ी केसेस यहाँ भी दर्ज हुए हैं। ये पर्टिकुलर केस का आपको बुलाने का मकसद यही है कि जो हमारे युवा हैं उन तक ये संदेश जरूर जाए, यदि किसी ने फॉरेन कंट्री में जाना है तो जो ऑथोराइज्ड एजेंट्स हैं इमिग्रेशन एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड हैं उनके थ्रू ही जाएं, और ऐसे एजेंट्स इलीगल एजेंट्स के झांसे में ना आए। ये ना केवल आपसे 15-20 लाख की ठगी कर रहे हैं, साथ साथ आपकी जान को भी खतरा है। माँ बाप को पता भी होता है, उसके बावजूद भी माँ बाप भेजते हैं सारा कुछ। हाँ, वो इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो ट्रैवल का प्लान है इनका, या वो कई बार बीच में नदियां क्रॉस करनी है, जंगलों में जाना है, कोई मेडिकल एड नहीं है, कोई खाने की गारंटी नहीं है, यदि कोई एक्सपायर हो जाता है तो ऐसी भी केसेस सामने आए कि उसको डेड बॉडी भी रिकवर नहीं होती, वहीं ये छोड़ जाते हैं। तो जो गए हैं, अभी हमने तो उन लड़कों से बातचीत की है, तो ये काफ़ी एक सीरियस मुद्दा है, तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से
जो हमारे युवा हैं उन तक ये संदेश स्पष्ट हो, और यदि किसी ने जाना है तो अपना लीगल वे में, लीगल तरीके हैं जाने के और लीगल एजेंट्स भी हैं, उनके थ्रू जाए। सरकार में ऐसे कई लीगल जो केंद्र ऐसे खुले हुए हैं सर, तो उन पे क्या कार्रवाई करें, जैसे बगैर शिकायत के भी ऐसे लोग आपके पास आते हैं, ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं। देखिए मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी इस काम में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलीगल एजेंट्स को यहाँ जो भी काम कर रहा है हम अपने लेवल पे पता कर रहे हैं, यदि आपके पास कोई सूचना है या आपके माध्यम से कोई सूचना देना चाहता है तो हम उसकी कंप्लेंट में सीरियस जो है कार्रवाई और काफ़ी सख्त कार्रवाई की। इन दोनों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की, इनके खिलाफ केस दर्ज किया है, अभी इनको अरेस्ट कर लिया है, अभी पुलिस रिमांड पे हैं। ये इनसे पूछताछ में काफ़ी चीज़ें और भी सामने आई हैं, कुछ लड़कों का भी पता लगाया जो हरियाणा के हैं, उनसे भी हम कंप्लेंट लेके वो अलग से केस दर्ज करेंगे। रिकवरी अभी करनी है इनसे, खुद माना कि अमेरिका डोंकी बना के बेचते थे, बिल्कुल माना है। और कई हैरानी की बात यह है कि जो बच्चे जा रहे हैं उनको भी पता है इस बात का, लेकिन फिर भी इस लालच में कि हम वहाँ जाके अच्छा रोजगार पालेंगे या हमारा करियर सेट हो जाएगा, उस लालच में वो इनके बहकावे में आ रहे हैं। कहाँ के लोग थे जो इनको भेजा? ये अहर गाँव का लड़का था, जितेंद्र नाम है, 19 साल की उसकी एज थी, उस लड़के को भेजा था जिसकी हमें कंप्लेंट, वो अभी डिपोर्ट होकर आया मेक्सिको से। कितने लोगों को भेजा? ये करीब 25-30 लोगों को भेज चुका है, जिसमें से कुछ पंजाब के भी हैं। तो जो हमारा जो तो लड़के बाहर के हम कंसर्नड वहाँ उनको लिख के भेजेंगे, जो लोकल लड़के हैं जिसमें हम कार्रवाई कर सकते हैं वो हम कार्रवाई करेंगे। इन्होंने असंद में और जलवाना में ऑफिस बना रखा था। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।